नमस्कार, मैं रुद्रांश जोशी, कक्षा 5 का विद्यार्थी, आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है तीन मूर्ख दोस्त। कहानी इस प्रकार है। एक बार चार दोस्त वन से गुजर रहे थे, तभी उन्हें कुछ कंकाल मिले। उन्होंने कहा कि ये कंकाल किस जीव के होंगे। तभी उसमें से एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं इन कंकालों को जोड़ सकता हूँ। तब ऐसा कहकर उसने मंत्र पढ़ा और उन कंकालों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद दूसरे दोस्त ने कहा कि इन कंकालों का क्या फायदा, जब इसमें खाल और चमड़ा होगा तब पता चल जाएगा कि ये किस जीव का कंकाल है। तब उसने उसमें खाल और चमड़ा डाल दिया। तब तीसरे दोस्त ने कहा कि खाल और चमड़े से क्या फ़ायदा, मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। जैसे ही उसने कहा, वैसे ही चौथे दोस्त ने उसे मना कर दिया। उसने कहा कि अगर हम इसमें जान डाल देंगे तो यह जिंदा होकर हम चारों को मार सकता है। पर तीसरे दोस्त ने उसकी बात नहीं सुनी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे तीसरे दोस्त ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चौथा दोस्त एकदम से पेड़ में चढ़ गया। उसके बाद जैसे ही शेर में जान आई, वो उठ खड़ा हुआ और उन तीनों के पास गया और उन तीनों को मारकर खा गया। तो इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपनी विद्या का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।